ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए इसको कवर किया हुआ था। और ये अच्छी तरह अच्छे यहाँ से गर्म है, इनको अब आपने चूल्हा बंद करना है और बहुत एहतियात से उठा के ये जो चिल्ड वाटर आपने रेडी किया था, नीचे मैंने एक डिस्पोजेबल से कपड़ा बिछा दिया था, इसमें आपने अंदर डाल देना। थोड़ा सा आपको पीछे हो जाइएगा, देखिए सॉरी मूवमेंट चल रही है वीडियो में, तो नाजरा अब इसको आप 1-2 मिनट के लिए अंदर रहना है अच्छी तरह से। ये बहुत ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए, अगर आपको लगे कि इसमें बर्फ़ कम है तो मज़ीद बर्फ़ या ठंडा पानी और ऐड करना है, ठीक है। ये अच्छा खासा कवर हो गया, देखें अभी ये ट्रांसपेरेंट वाले मार्बल्स नहीं है, जब ये ट्रांसपेरेंट मार्बल होते हैं तो इसके अंदर बाकायदा क्रैक्स नज़र आते हैं, ये ओपेक है तो इसके अंदर आपको जो है ना वो क्रैक्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये लेकिन ये टूट चुके हैं अभी अंदर से ना, इन साइड से सब बिल्कुल अंदर। इसको अब इसको एक फिट आप लगाएंगे, ये देखिए मैं अब आपको बताती हूँ आपके सामने, ये मैंने कपड़े पे रखा, इसको कवर किया क्योंकि आपने इसको कवर करके ही काम करना है। ये मार्बल है आपका, उस पर आपने हिट लगाना है, जस्ट वन, ये देखिए टूट गया, बहुत आराम से टूट गया। इसको अगर आपने मज़ीद छोटा करना है तो जो बड़े वाले पार्ट्स हैं उनको दोबारा हिट लगाएं और ये आपके मार्बल्स टूट जाएंगे। इसको कभी भी अनकवर नहीं आपने हिट लगानी, इसको हमेशा कवर करके हिट लगानी है, क्योंकि जब ये आप इसको तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इस पर स्प्लैश आएगा, तो ये इधर उधर शीशे टूट जाएंगे। अच्छा ये वो मार्बल हैं जो मैंने ब्लैक कलर का, ये सारे मैंने क्रश कर लिए थे, क्रश मार्बल। अब मैं वाइट करूँगी क्रश और इसके बाद फिर हम जॉर्ज की जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। ये मैंने एक डिस्पोजेबल सा बॉक्स था, ये मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। ऐसा कंटेनर लें जो आपने फेंकना है, जो आप यूज़ नहीं करेंगे दोबारा, उसके बाद मैं आपको कुछ दोबारा से तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा ये गीले हैं, ठीक है ना, ये भी किसी हद तक मुझे लगता है कि ये भी गीले होंगे। मैं इनको क्या करूँगी, पैन में डालूँगी दोबारा और इनको मैं हीट करूँगी। देखिए ये वाला जो पैन था ना जिसमें मैंने ये कुक किए हैं, इसी पैन में मैं रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से इनके जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब रेजिन को जब लगता है पानी तो रेजिन ख़राब हो जाती है, तो इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं आना आना चाहिए। या तो आप इसको स्प्रेड करके तो इसको धूप में रख लें ताकि धूप में भी अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। अगर धूप नहीं है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, तो फिर आप इसको पैन में डाल के दोबारा से हीट करें ताकि इसका जितना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब ये 3 मार्बल्स थे, 1, 2 और तीसरा किधर का है, ये 3rd 1 3। अब ये देखें ये टूट चुके हैं, इनको मज़ीद तोड़ना है, मज़ीद तोड़ना, ठीक है। ये बाकी अपनी चॉइस है, ये थोड़े बड़े पीसेज हैं, मैं चाह रही हूँ कि मज़ीद थोड़े से छोटे हो जाएं। इस तरह से आप ये सारे तोड़ लें और ये आपका लेसन रेडी हो गया, फर्स्ट लेसन पार्ट 1 हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है ना साथ साथ आपको मैं बताती जाऊँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक वुड का पीस था मेरे पास, इसको मैंने कट पहले ड्रॉ किया और इसको मैं ये शेप देना चाह रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि शेप दें, सर्कल कर लें, कोई भी आप कर लें, ये काफ़ी थिक वुड है ये देखें, और ये इतनी हैवी है कि ये टेबल टॉप भी बन सकती है और वॉल हैंगिंग भी। अच्छा ये इसका बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट है जहाँ पर हम लोगों ने रेजर पोर करना है। इसको मैंने इसकी मैंने फिलिंग कर दी, फिलिंग का मतलब है कि वो एरियाज जो वहाँ पर वो समटाइम्स कोई डेप्थ या गैप या कुछ रह जाता है, तो मैंने इसको मैंने पहले फिलिंग की, इसको सेंड करूँगी अब मैं, और ये मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया बीच में। अब इसको जो जो ड्रॉ किया इसके बाद हम इस इधर नेक्स्ट स्टेप में जो भी स्टेप वाइज हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कुछ इसको प्रिपेयर करना है, लाइक इसकी सेंडिंग करनी है और इसके बाद हम यहाँ पर जी। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने आप ये देखें नीचे, ये वही जियॉर्ड है जिसकी मैंने आपको पिक्चर आपको दिखाई थी, वुडन बेस है, काफ़ी बड़ा है तो ये मेरे इसमें फोकस में आ नहीं रहा। इसकी ये जो मैंने बाउंड्री ड्रॉ की थी ये रैंडम सी देखिए ये लाइन सी, इसमें मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी का मिक्सचर लगा के इसको फिल करें। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ जो मैंने पीछे कर लिया, ये देखिए ये हिस्सा यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग की है। अब मैं आप बाकी थोड़ा सा रह गया वो मैं आपके सामने करती हूँ। मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर है उसका लिड लिया था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आम मिल जाता है मार्केट में, बहुत चीप सा होता है,
₹50 के अंदर अंदर आ जाता है पूरा पैक। मैंने इसे थोड़ा सारा लिया। अच्छा, इसको हमेशा इसका तरीका ये होता है कि आपने इसको पहले से मिक्स करके नहीं रखना इसको, आप क्योंकि ये फ़ौरन से हार्ड होना शुरू हो जाता है। ये मैंने प्लास्टर पेरिस लिया, इसके सेंटर में थोड़ा सा खोल के इसमें पानी डाला। इसकी पेस्ट बनानी है आपने। नीचे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह या कोई पुराना कपड़ा ज़रूर बिछा ले, मैसअप होता है ज़रा मैसी ये काम। तो ये देखिए, ये पेस्ट बन गई है। इसमें कोई पानी की फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, ये फिलर के तौर पे भी काम आता है। ये जो दीवार में बाजू का आप आपने कोई कील निकाला हो तो उसमें जो दीवार में होल हो जाता है, तो आप ये फिलर के तौर पे इसको लगा के इसको फिल कर दें और उसके बाद इसको सेंड कर दें। वुडन बॉक्सेस भी बाजू का आते हैं जिसमें गैप्स आ जाते हैं, या आप रेडीमेड लेते हैं और उसमें कोई गैप होता है या स्पेस आ जाती है, तो उसको भी ये आप मिक्स करके पेस्ट एज अ फिलर यूज़ कर लें और उसके बाद उसको सेंड करें तो वो सरफेस स्मूथ हो जाती है। इनफैक्ट इस बोर्ड को भी मैंने इस तरह से ही स्मूथ किया था। अच्छा, ये मैंने तकरीबन इसकी देखिए पेस्ट बन गई है आपके सामने। थोड़ा सा क्लोज करती हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये पेस्ट बन गई है। अब वो एरिया जहाँ पर मैंने ये इसको स्पैचुला या नाइफ होती है इससे आप इस तरह लगाएं, यूं गोलाई में। बहुत जल्दी ड्राई होता है इसलिए आप इसके स्मॉल बैच बना बना के काम करेंगे, एकदम से सारा नहीं बनाना। जब ये ज़्यादा बनाएंगे और ये फ़ौरन से ड्राई हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है, ड्राई पत्थर की तरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अब आपके सामने मैंने इतना कर दिया। इसी तरह मैंने पूरा पीछे से भी जो पूरा उसका डाया था उसको मैंने कवर कर दिया। ये साइड से एक्स्ट्रा रिमूव कर दें, इसको लगाते साथ ही देखिए हार्ड होना शुरू हो गया। स्मूथ कर दें। स्मूथ करने का तरीका होता है इस नाइफ को थोड़ा सा पानी लगाएं और पानी के इसके ऊपर फिर ये स्मूथ हो जाएगा। लाइक दिस साइड्स क्लीन कर दें। थोड़ा सा और मैं आपके सामने करती हूँ, मेरा ये ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा मैं और मेरा एंड होने वाला है, बिल्कुल एंड पे हूँ मैं ना। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करती हूँ कैमरा को, ये बिल्कुल एंड पे मैं आ गई। अभी शायद आपको समझ ना आ रही हो, इसका मैं आपको जब फुल व्यू दिखाऊंगी ना तैयार होने के बाद फिर आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो अभी बस आप ये सीखें कि इसको आपने लगाना कैसे। ये ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल बहुत हैवी भी हो जाता है, इतनी ही पेस्ट हाइट रखिए कि इसका वज़न ज़्यादा होना। ये स्टेप ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप आप करें। इसको आप जो क्रश ग्लास किए हैं उससे आप कवर कर सकते हैं, या टेप लगा लें आपकी ताकि वो फॉल ना करे आपकी रेजिन। ये इसका लगाने का एक पर्पज़ ये भी है कि यहाँ तक रेजिन रुक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन उसके दो तीन तरीके होते हैं, टेपिंग के थ्रू भी आप रेजिन को गिरने से रोक सकते हैं, और ग्लूगन से भी आप इसको रोक सकते हैं। टेपिंग मेथड अभी मैंने नहीं किया, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, इसका तो सिर्फ मकसद ये है कि ये ड्राई ना हो। ये फौरन ड्राई होगा, हार्ड हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। लाइक दिस पेस्ट बन गई है। इस पेस्ट को मैं लूँगी और वो एरिया जो रह गया है देखिए बिल्कुल एंड पे हूँ, ये एज आ गया इसका, इसको आप लगाएं, गिराएं, इसको लगाएं, स्प्रेड कर दें। साथ साथ स्मूथ भी कर दें। ये बिल्कुल अनइवन सा काम होगा, इसमें कुछ में वो ये नहीं है कि आप बहुत परफेक्शन चाहिए इसको। ये कवर हो जाएगा पूरा, इसको हम
गोल्डन कलर से, गोल्डन रेजिन में, गोल्डन डस्ट मिला के इसको इस एज को कवर कर देंगे, ये छुप जाएगा। रेजिन लगने से ये बहुत मजबूत भी हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा इस लाइन को भी स्मूथ कर दिया। इसी तरह से ये पूरा आप एरिया को अपना आउटर साइड है ये मैंने उसको किया, क्योंकि इनर साइड पे मैं क्रिस्टल्स लगाऊंगी, ग्लास क्रश किया था ना, क्रश ग्लास, उसको ग्लू गन से जोड़ के, ग्लू गन से कर लें या रेजन में मिक्स करके डाल लें। ये हमारा रेडी हो गया। अब वेट करूंगी ये ड्राई होगा अच्छी तरह से, उसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हम डिवाइडिंग लाइंस लगाएंगे। इन लाइंस को लगाने के लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइंस लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो रेजिन का रेजिन है वो आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि जब आप रेजिन टू कलर्स के रेजिन पोर करते हैं तो आपस में मर्ज हो जाती है। उसका तरीका है ये कि आप पहले इसको ड्राई होने दें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने लगाया था, उसके बाद आप इसको ग्लू गन की मदद से इसको जो आपने लाइंस ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्लू गन से लाइन लगाना शुरू कर दें। हम लाइन के राइट और लेफ्ट पे जो जो कलर पोर करेंगे वो आपस में मिक्स नहीं होगा। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन इससे होता है कि क्लैरिटी ऑफ कलर बहुत आ जाती है। और इन लाइंस के ऊपर फिर हम बाद में गोल्डन रेजिन या गोल्डन लाइनिंग मार्कर से या गोल्डन कलर से इस पर लाइन कर देते हैं। तरीका मैंने आपको गोल्डन कलर का बता दिया हुआ है, ये एजेस पे जैसे कोस्टर के एजेस पे गोल्डन करते हैं। 3-4 मेथड्स हैं वो, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए, काफ़ी डिटेल से मैंने उसमें बता दिया हुआ है। ये बिल्कुल एंड के लेसन है रेजिन के, जिस बिगनिंग के सारे लेसन जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप काम करें, एकदम से सारा काम जो है वो आप मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट करने से पहले रेजिन को पहले थोड़ा समझें, उसको समझेंगे तो आप उस पर फोकस कर सकेंगे कि इसमें क्या फ्लॉज हैं, किस तरह से आपने इसको टैकल करना है। लिक्विड है, फ्लूइड है, बह जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, वॉल से टकरा के जब रेजिन वापस आता है उसकी शक्ल कोई और होती है, जब रेजिन एज से बह जाता है उसकी शक्ल कोई और होती है। ये काफ़ी ज़्यादा तरीके, इसलिए ये हम वॉल्स क्रिएट करें। ग्लूगन इज़ द बेस्ट वे इसको क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा वॉल पुट्टी पाइपिंग बैग में डाल के भी लाइनिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्लू का थिन मिक्सर बना लें। थिक मिक्सर नहीं बनाना, आपने गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि हमने जिस पे तो काफ़ी गाढ़ा मिक्सर लगाया था, लेकिन आपने थिन मिक्सर बनाना है और पाइपिंग बैग में डाल के वो लाइन्स आप क्रिएट कर सकते हैं, वो डिवाइडिंग लाइन्स ईजिली बन जाएंगी। इसके बाद हम कलर पोर करेंगे। मैं हमेशा ये बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप डार्क टू लाइट जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आउटसाइड को डार्क और इनवर्ड में लाइट आऊँगी, तो मैंने कलर जो चूज़ किया है वो शॉकिंग पिंक आप लगा लें, या बीट रूट का जो कलर होता है वो डार्क में यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं लाइट करूँगी। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके पास कलर अवेलेबल कौन सा है। अगर आपके पास ये जो मीका पाउडर है उसमें बहुत अच्छा कलर मिल रहा है तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर लें। कलर यूज़ करने से पहले हम ये जो स्टोन क्रश किए थे वो पेस्ट करेंगे। उसमें ये होता है कि आप इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप क्रश स्टोन को उस एरिया पे सेट कर लें जहाँ पर आपने स्टोन्स लगाने हैं। दूसरा तरीका ये है कि रेजिन पहले ही स्टोन्स में आप मिक्स कर लें। ये सब करने से पहले आपको पता है हमने ग्लू गन से लाइंस लगाई थी और इसकी थ्रेड्स निकलती हैं, जब हम लोग ग्लू गन उठाते हैं तो थ्रेड्स होती हैं, उन थ्रेड्स को बस आपने रिमूव करना है अच्छी तरह से। तो पहले वो पोर्शन देख लें जहाँ पर आपने स्टोन्स लगाने हैं। मैं फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं स्टोन्स को पोर कर लूँगी, और बेहतर ये होता है कि आप स्टोन्स में थोड़ी सी रेजिन डाल लें। उससे ये होगा कि आपकी, जैसे मैं अभी डाल रही हूँ, तो इसमें ये होगा कि आपकी जो स्टोन्स हैं वो ऑल राउंड रेजिन से कवर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्टोन्स डाल लें और ऊपर रेजिन पोर करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डाउट रह जाता है कि क्या रेजिन हर स्टोन को टच कर रही है। इस तरह करने से, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, स्टोन्स में रेजिन पहले ही मिक्स करने से, आप जब स्टोन्स को अच्छी तरह से रेजिन कोट करते हैं तो इसमें हमें श्योरिटी हो जाती है कि हर स्टोन ने रेजिन कैच कर लिया। और इस तरह होता है कि रेजिन जो स्टोन्स होते हैं, जो भी आप ले रहे हैं, स्टोन्स ले रहे हैं, पेबल्स ले रहे हैं, सैंड ले रहे हैं, क्ले ले रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ ले रहे हैं, उसमें होगा कि आपकी रेजिन अच्छी तरह से कोट हो जाएगी। अभी देखें, इजीली मेरे जो स्टोन्स हैं, ये मार्बल्स, जो क्रश मार्बल है, स्टोन्स लगा लें, क्रश मार्बल लगा लें, कुछ भी लगा लें जो आपको मिल जाता है, फायर ग्लास लगा लें। अब तो रेजिन की प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये मार्बल वाला आप जो है अटैम्प्ट करें, लेकिन अगर आपको ईजिली क्रश स्टोन्स मिल रहे हैं या फायर ग्लास मिल रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारे जो क्रश मार्बल्स हैं उसको मैं लगा लूँगी।
मैंने स्टार्ट में लगाया, स्टार्ट में ये लगाने से ये फ़ायदा हो गया कि मेरे पास एक वॉल बन गई है, अब इधर से रेजिन नीचे नहीं जाएगी, ये भी वॉल क्रिएट हो गई। और अब मैं वाइट कलर मैंने यूज़ किया था क्योंकि मैं शॉकिंग पिंक यूज़ कर रही हूँ, और जिसकी वजह से मुझे वाइट और ब्लैक इसके साथ कंट्रास्ट करना है विद गोल्ड। अब मैं दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें ये है कि मैंने मार्बल्स डाल दिए। मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए बता दिए ताकि आपके लिए जो भी आपको आसानी लगे वो आप कर लें। ये क्रश मार्बल्स जो थे वो मैंने जहाँ पर मैंने लगाने हैं वहाँ पर मैंने उसको पहले ही सेट कर लिया, इसमें मैंने रेजन नहीं डाली, ये डायरेक्ट मैंने क्रश मार्बल जो है ना उस एरिया पे सेट कर लिए हैं जहाँ पर मुझे इनको रखना है। ये कदरे आसान तरीका है, लेकिन इसमें फिर ये वही बात हो जाएगी कि इसमें श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके तमाम मार्बल ने रेजिन को कवर कर लिया। मैंने बहुत थिक लाइन नहीं लगाई है, इट डिपेंड्स थिक थिन कहीं से आप कर सकते हैं। ये वही क्रश मार्बल्स हैं जो मैंने अभी क्रश किए थे, आप इनको करके रख लीजिए या आप स्टोन्स मंगवा लीजिए। इस तरह से आप सब एरिया को कोशिश करें कि सब एक स्ट्रेट लाइन बने, राइट लेफ्ट पे बहुत ज़्यादा जो मार्बल्स हैं वो ना आपके जाएं, क्योंकि उस एरिया पे हमने रेजिन पोर करनी है और फिर वो मार्बल उधर पड़े हुए, ज़ाहिर है मार्बल उधर छुपेंगे नहीं रेजिन के अंदर, तो जिसकी वजह से वो फिर अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ पर अलग अलग मार्बल्स पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। इट्स बेटर कि आप एक लाइन सी क्रिएट कर लीजिए और मेक श्योर कि कोई लाइन कोई एरिया खाली ना रह जाए, क्योंकि जो एरिया अगर आपका रह जाएगा तो वहाँ से जो रेजिन है वो ब्लीड कर जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप मैंने जहाँ पर अभी मार्बल लाइन ये मार्बल की लाइन लगाई है उसके बिल्कुल आउटसाइड पर मेरे पास मैंने ग्लू गन से लाइन लगाई थी, उससे ये होगा कि मेरी जो रेजिन है वो ब्लीड आउट नहीं होगी, रेजिन ग्लू गन की लाइन रेजिन को रोक देगी। मैंने अब वाइट रेजिन मिक्स की है, वाइट कलर। अच्छा, वाइट मैंने मैंने लेसन दिया था कि वाइट कैसे बनाते हैं। दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक्रेलिक कलर्स, बल्कि तीन ऑप्शन हैं, एक्रेलिक कलर्स, मेकअप पाउडर या पिगमेंट। वाइट पिगमेंट मिलता है, पाउडर की शक्ल में होता है वो। उसमें होता है कि जो एक्रेलिक कलर है वो वाइट मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने मेथड बता दी है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाएँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करके थोड़ी सी रेजिन में उसकी पेस्ट बना ली जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिन में वाइट कलर मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होती है, जितनी कम रेजिन होगी और जितना कलर होगा वो पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप रेजिन डालीजिए इस पर मज़ीद, तो उससे ये होगा कि आपकी जो थिक पेस्ट है उसमें वाइट कलर इजीली मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आप मज़ीद वाइट रेजिन रेजिन ऐड कर लीजिए ताकि वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्रेलिक कलर हो और रेजिन कम हो तब ही कलर जो है ना वो ड्राई नहीं होता, वो हार्ड नहीं होता। एक्रेलिक कलर रेजिन को हार्ड होने से भी रोकती है, तो एक खास हद तक आपने इसकी रेशियो रखनी है, तकरीबन 20-30% कलर होना चाहिए एक्रेलिक का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी देनी है तो आप उसको 10% कर लीजिए। अब मैंने इतने हिस्से पे सबसे पहले वाइट कलर डाला, मेकअप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप पाउडर बहुत इजी होता है मिक्स करना और यूज़ करना, वो रेजिन में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है। इसके अलावा जो पिगमेंट कलर्स होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, वो भी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पाउडर लेके आप रेजिन पार्ट में मिक्स करके रख लें। अगर आप रेजिन और हार्डनर डाल के मिक्स करेंगे तो वो आपका हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप जस्ट रेजिन पार्ट, क्योंकि रेजिन के दो पार्ट होते हैं, रेजिन पार्ट हार्डनर पार्ट, अगर आप रेजिन पार्ट में पिगमेंट कलर, वाइट पिगमेंट कलर, मेकअप पाउडर या एक्रेलिक कलर मिक्स करके रख लें तो वो कभी भी हार्ड नहीं होती, तब तक जब तक उसमें हार्डनर ना डाला जाए। तो जब आप रेजिन उस वाइट रेजिन पार्ट में मिक्स करके रख लें तो वो काफ़ी अर्से तक आपकी स्टोर हो जाएगी। ये मार्केट में जितने भी पिगमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि वो रेजिन पार्ट में मिक्स किया जाता है, या उसको हार्डनर पार्ट में मिक्स कर लें या उसको रेजिन पार्ट में मिक्स कर लें, जब तक वो एक पार्ट में मिक्स होगा वो कभी भी जो है वो हार्ड नहीं होगा, तो आप कलर डाल के तो उसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने वाइट रेजिन को पूरे एरिया पे स्प्रेड कर लिया। रेजिन को कोशिश किया करें कि हमेशा एमडीएफ की बेस पे पोर किया करें, एक तो उससे रेजिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, आप फाइनेंशली भी उसमें आप वो को हेल्प आउट कर देता है। नंबर टू, समर में अगर जस्ट रेजिन की कोई ट्रे या कोस्टर हो तो वो समर में बेंड हो जाती है, जो नीचे एमडीएफ की बेस है या वुडन बेस है उसको बेंड होने से रोकती है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी रेजिन नीचे फुल रेजिन है या जस्ट एक लेयर रेजिन है। तो इट्स बेटर कि आप नीचे एमडीएफ की शीट या एमडीएफ का बोर्ड रखें, उसके ऊपर रेजिन पोर करें, उससे यह होगा कि आप
थोड़ी सी रेजिन में आपका कोई भी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, थोड़ी सी रेजिन में आप ट्रे बना लेंगे। अदरवाइज आप एक ये सिलिकॉन मोल्ड में जो काम करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा रेजिन चाहिए होती है, और उसका दूसरा ड्रॉबैक यह है कि वो समर में बेंड हो जाती है। आप जितना मर्जी रोक लें, अगर गर्मियाँ हैं आपने इसको कहीं रखा है तो उस पर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके भी निशान पड़ जाएंगे और वो बेंड भी हो जाएगी। कलर को, जो वाइट कलर है उसको अच्छी तरह से पूरे एरिया में वहाँ पर स्प्रेड कर लें जहाँ पर आपने इसको स्प्रेड करना है। ये दो लाइंस मैंने लगा ली थी पहले से ही इसे ग्लूकन से, और उसमें मैंने फिर इसको स्प्रेड कर लिया। अब मैं हीट गन की मदद से इसके बबल्स पॉप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हीट गन नहीं देती, फ्लेम टॉर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, हीट गन बहुत नहीं देते। और अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़रूर कर लीजिए कि आप रेस्पिरेटर पहन लें, अगर आप ग्लव्स पहन लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, रिएक्ट नहीं किया, लेकिन नॉर्मली ये बहुत से लोगों को रिएक्ट कर जाती है, खास रूप से जब आप बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जैसे जियॉर्ड्स वगैरह या बड़ी ट्रे बना रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स में कम रेजिन हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको वाइट करें। अब मैंने गोल्डन कलर लिया और इसको गोल्डन मीका पाउडर या गोल्डन डस्ट जो होती है वो रेजिन में मिक्स करके मैंने जो स्टोन्स थे उसके ऊपर डाल दिए। इससे ये होगा कि मेरे स्टोन पे थोड़ा सा शेड आ जाएगा, रेजिन गोल्डन अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, ब्लैक एंड गोल्ड का टच आ जाएगा और मेरे स्टोन्स आपस में बाइंड भी हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट भी डाल सकते हैं, ब्लैक भी डाल सकते हैं, गोल्डन भी डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट से पूरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक से ऑब्वियसली मज़ीद ब्लैक हो जाएगा, लेकिन गोल्डन डालने से थोड़ा सा डेप्थ और गोल्ड का टच आ जाएगा। इस तरह से मेरा तकरीबन हाफ से कम अभी मेरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ है। लाइक मैंने सेंटर पार्ट को स्टार्ट किया, आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सेंटर से, वो सबसे वाइड एरिया जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा कलर चाहिए था, पहले मैंने वो पोर किया और मैंने बहुत थिक लेयर ऑफ कलर पोरने की। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले ही बेस को वाइट कलर कर लें, चॉक पेंट से एक्रेलिक कलर से पहले ही MDF की बेस को वाइट कर लें और उसके बाद आप रेजिन पोर कर लें वाइट। उससे होगा कि आपकी जो बेस वुडन कलर है वो नज़र नहीं आएगा। या सेकंड ऑप्शन में ये है कि आप कलर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा लें, लाइक रेजिन में कलर ज़्यादा डालें वाइट। उससे ही होगा कि जब आप रेजिन पोर करेंगे वाइट तो बेस कलर आपका ब्राउन नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा जो गोल्डन कलर है वाइट के ऊपर आ गया, मैंने उसको टूथपिक से या आइसक्रीम स्टिक से उसको मैंने थोड़ा सा उसको लाइंस उसकी क्रिएट कर ली हैं, जो एक मार्बल की लुक आना शुरू हो जाएगी। हीट में इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरी उन एरियाज़ पे रेजिन थोड़ी मेल्ट हो जाए, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ऑफ वाइट कलर रेजिन में थोड़ी इससे ज़्यादा डाली थी क्योंकि मैंने वाइट बेस पेंट नहीं किया। उससे ये होगा कि मेरा जो रेजिन है वो थोड़ी थिक हो जाती है। जब भी आप रेजिन में क्वांटिटी ऑफ कलर ज़्यादा डालते हैं तो रेजिन गाढ़ी हो जाती है, उसको फैलाना उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उसको आप हीट देते हैं तो वो ईजिली वहाँ पर हर एरिया हर कॉर्नर में चली जाती है और वो फ्लैट सर्फेस हो जाती है। अब मैं गोल्डन कलर मिक्स कर रही हूँ। कभी भी आपने गोल्डन डस्ट जो है अपने आपका जो जियॉर्ड है उसके ऊपर नहीं करनी। चूंकि मेरा कैमरा यहाँ पर सेट है इसलिए मैंने उसको मिक्स आपके सामने डाला, लेकिन मिक्सिंग मैं साइड पे करके कर रही हूँ क्योंकि यही कलर जो आपका गोल्डन कलर है ये आपके उसमें नीचे बेस में भी जा सकता है। मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा था अपना गोल्डन क्योंकि मेरा फुल कवरेज नहीं हुई थी इसकी स्टोन्स की। मैंने मज़ीद गोल्डन कलर मिक्स किया और उस पर पोर कर दिया और वाइट के जो एजेस हैं वहाँ पर भी मैं गोल्डन कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा शेड आ जाएगा। ये काम आप एंड पे भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं। गोल्डन लाइंस नॉर्मली एंड पे ही बनाई जाती हैं, लेकिन चूंकि मैंने अपने स्टोन्स को स्टे करवाना था तो इसलिए मैंने पहले ही डाल लिए। बाद में भी बाजू का ज़रूरत पड़ती है, एंड में भी बाद में डाला जाता है। रेजिन जब पूरी ड्राई हो जाती है तब भी गोल्डन लाइन्स रेजिन से लगाई जाती हैं, वो हाइटेड लाइन्स बन जाती हैं। मैंने थोड़ा सा वाइट पे भी थोड़ा गोल्डन कलर दे दिया, उससे ये होगा कि मेरी मार्बल लुक या शेड बन जाएगा, वाइट गोल्ड का शेड बन जाएगा। लाइंस को थोड़ा सा आप नीट कर लें और थोड़ा विजिबल कर लें। जब भी आप गोल्डन या किसी भी कलर पे हीट गन देते हैं तो वो गोल्डन कलर स्प्रेड हो जाता है। वो अगर ये गोल्डन लाइंस आपने नोट किया होगा कि हीट देने के बाद गोल्डन लाइंस थिक हो गई हैं क्योंकि वो गोल्डन कलर फैलता है और उसके बाद जो है वो थिक हो जाता है, वाइड हो जाता है थोड़ा सा।
नेक्स्ट स्टेप में हम कलर की लाइन लगाएंगे। कलर में मैंने मीका कलर यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि आपका कलर लाइट है तो आप एक्रेलिक कलर भी इसमें मिक्स करते हैं। लाइक आप एक ही में दोनों कलर, एक ही रेजिन के बैच में दोनों कलर मिक्स करते हैं लेकिन प्लीज़ क्वांटिटी ऑफ कलर कम रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका कलर होगा तो आपकी जो रेजिन है वो हार्ड नहीं होगी, उसको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैंने पिंक कलर की एक लाइन लगाई। और आपको पता है कि आप पहले से, जब भी आप जुगाड़ बनाते हैं तो आप पहले से ही सारे कलर्स मिक्स करके रख नहीं सकते हैं, आपको साथ साथ कलर बनाना होते हैं। और मैं साथ साथ कलर बना भी रही हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैंने रेजिन मिक्स करके रख ली थी, लाइक मैंने 100 ml और 50 ml की रेजिन मिक्स करके रख ली है ट्रांसपेरेंट। अब मैं जब भी कलर मुझे बनाना होता है मैं थोड़ी सी रेजिन लेती हूँ और उसमें कलर मिक्स करती हूँ। मैं हर दफ़ा मिक्स नहीं कर रही हूँ। अगर आप जस्ट रेजिन मिक्स करके रखते हैं और आप क्विकली काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेजिन स्टार्ट में बाजू का ड्राई होना शुरू, हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप उसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें। आपने बहुत तेज़ी से काम करना है, आपने स्लोली स्लोली काम नहीं करना, उससे ये होगा कि आपकी रेजिन हार्ड हो जाएगी और फिर वाप बेकार हो जाएगी। और एक और बात मैंने आपको कहनी थी, कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रेजिन छोटे कप में मिक्स नहीं करनी। फुल कप, फुल जग रेजिन नहीं बनाते हैं, हमेशा हाफ ऑफ द कप, हाफ ऑफ द जग रेजिन बनानी है। कोई भी साइज़ का आप कप ले रहे हैं, आपने हाफ मिक्स करनी है। लाइक रेजिन और हार्डनर हाफ हो। अगर आप फुल जग या फुल कप रेजिन बना के रख लेते हैं, यानी कि आपने रेजिन हार्डनर डाला और वो फुल कप हो गया, तो आपकी रेजिन आइस्ड हो जाएगी, यानी कि एकदम से वो पत्थर बन जाएगी। उसके उसको फ्यूम्स नहीं मिलेंगे इस्केप होने के लिए, वो फ्यूम्स अंदर ही रह जाएंगे और वो रेजिन को फ़ौरन से हीटअप करके हार्ड कर देगी। सो इसको आपने अवॉइड करना है। हाफ कप बनाने से होता है कि हाफ, बाकी के हाफ कप में इस्केप का उसके पास चांस होता है ज़्यादा। अब मैंने बहुत डार्क पर्पल टर्कोइज सा कलर, सॉरी बीटरूट का कलर बनाया है। इसको मैंने डार्क इस तरह से किया कि इसमें मैंने ब्लैक का टच दिया है। बाजू का इतना डार्क कलर हमें नहीं मिलता, ना ही मेकअप पाउडर में, ना ही एक्रेलिक कलर में। तो जिस कलर को आपने डार्क करना होता है उसमें आप ब्लैक का टच दे दें। ये नहीं है बहुत ज़्यादा ब्लैक डालें, क्योंकि ब्लैक बहुत डोमिनेंट कलर होता है और जब भी आप ब्लैक कलर किसी चीज़ में डालते हैं वो डोमिनेंट हो जाता है और ओरिजिनल कलर को ख़त्म कर देता है। लाइक अगर आपने पिंक में बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक डाल दिया तो पिंक आपका ख़त्म हो जाएगा, वो सारा पिंक ब्लैक हो जाएगा। सो जब भी आपने ब्लैक कलर ऐड करना है तो आपने बिल्कुल बिट बाय बिट ऐड करना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी से आपने इसको ऐड करना है। मैं डार्क से लाइट पे गई हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं डार्क से लाइट पे काम करूँगी, तो पिंक शेड और ये दोनों शेड्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान में डिवाइडिंग लाइन्स है। ये दो कलर सेपरेट रहेंगे लेकिन आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, तो डार्क टू लाइट शेड भी आ जाएगा। ये डार्क पर्पल सा कलर बन गया और बहुत अच्छा कलर है ये। इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं किया अभी फ़िलहाल, लेकिन इतना है कि मेरी फुल कवरेज हो जाए। यही मैं एमडीएफ बेस पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपकी रेजिन बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, आपका प्रोजेक्ट आपको अचीव हो जाता है नंबर टू, और नंबर थ्री समर में ये ख़राब नहीं होता, बेंड नहीं होता, क्योंकि वुडन बेस उसको हमेशा सीधा रखती है और प्रोटेक्ट करती है। साथ साथ हीट दें ताकि आपका कलर जो है वो स्प्रेड भी होते जाएं। हीट देने का पर्पस यही होता है कि थोड़ी रेजिन लिक्विफाई हो जाए। हीट देने से आप ड्राई हार्ड रेजिन को शेप भी दे सकते हैं और हीट देने से बबल्स पॉप होते हैं। ये तीन काम होते हैं हीट देने के। अब फ्लेम टॉर्च और हीट गन में क्या फ़र्क है। फ्लेम टॉर्च जस्ट बबल पॉप करती है और फ्लेम टॉर्च आप बहुत ज़्यादा करीब से रेजिन पे यूज़ ना करें, क्योंकि उसका उसमें एक फ्लेम होता है, जो शोला होता है वो आग पकड़ने के भी उसके चांसेस होते हैं। हीट गन में से एयर के साथ बहुत गर्म हीट होती है, हमारे हेयर ड्रायर में से जैसे हवा निकलती है और साथ गर्म हवा निकलती है, उसी तरह से हीट गन है। लेकिन हीट गन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो हेयर ड्रायर्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा होता है जिससे आप इजीली हेयर ड्राई कर सकते हैं। लेकिन हीट गन जो होती है, अगर आप वो कभी हेयर में यूज़ करें तो आपके बाल जल जाएंगे। लाइक उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि आप उसको सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक आप हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हीट गन के लिए उसको। और हेयर ड्रायर को भी आप रेजिन में यूज़ नहीं कर सकते। हेयर ड्रायर ब्लो तो दे देगा, जैसे स्ट्रॉ से ब्लो दे दिया या आपने मुंह से ब्लो किया वो तो आपको दे देगा, लेकिन आपको जो हेयर ड्रायर है वो हीट इतनी नहीं देगा जितनी रेजिन को चाहिए होती है।
अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने थोड़ा सा डार्क शॉकिंग पिंक सा कलर लिया है। अब आप ये देखें कि आपको तीन कलर्स नज़र आ रहे हैं, पिंक, डार्क पर्पल, पर्पल अगर लाइक बहुत डार्क शेड में चले जाएंगे, और तीसरा बीट रूट कलर है। अब आपको स्टेप्स की समझ आ जाएगी। पहले हमने बेस प्रिपेयर की, फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से जियॉर्ड की शेप दी। वो ऑप्शनल है, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें, अदरवाइज फोम स्प्रे भी आते हैं वो भी यूज़ कर लें। फोम स्प्रे यूज़ करके उसको कट कर लिया जाता है। फिर हमने लाइंस ड्रॉ की, डिवाइडिंग लाइंस, उसके बाद हमने स्टोन्स ऐड किए, और स्टोन्स के बाद सबसे एंड में हम कलर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जब सारा कलर ओवरऑल इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कलर करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कलर करने के लिए दो तीन तरीके हैं। आप पीयू या पॉलीयूरेथरीन में डस्ट डाल के कर लें, रेजिन में डस्ट डाल के कर लें, यूज़ किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। रेजिन में हम डस्ट डाल के यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना स्ट्रांग और हार्ड मटेरियल नहीं होता, लेकिन जब रेजिन उसका पर रेजिन का कोट आ जाएगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा सेव कर लेगा। वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट किया है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी ये एक स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें आपको सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, इसमें ये कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिल रही होती है। यही इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके रेजिन के प्रोजेक्ट्स में आपको काम हेल्प आउट करती है। रेजिन का प्रोजेक्ट खासतौर पर जियॉर्ड्स वगैरह जब भी आपने बनाने हैं, आपने बहुत खुली जगह पर बनाने हैं। कोशिश करें जिस जगह पर आप ये काम करें वो एरी हो, हवा चल रही हो, पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं बैठना, पंखे आपके साइड्स पे राइट या लेफ्ट पे कहीं ऑन हो तो ठीक है, लेकिन पंखे के नीचे आप जब जैसे ही रेजिन को मिक्स करके काम करेंगे तो अब आपकी रेजिन फ़ौरन से ड्राई हो जाएगी, हार्ड होना शुरू हो जाएगी, नंबर वन। और नंबर टू, एक तो डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ के जो है ना आपके इसके पास जाएंगे। विंडोज़ ओपन होनी चाहिए, हवा चल रही हो, बेहतर है आउटडोर काम कर लें, वो दी बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप हीट दे रहे होते हैं तो हीट के फ्यूम्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जब आप काम करते हैं रेजिन का तब भी उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, वो आप पे इफेक्ट कर सकते हैं। आइदर आपको अगर आप उसको इनहेल कर लें तो भी इफेक्ट करते हैं, और यहाँ आपकी स्किन भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो जो मेरा बाकी एरिया है वहाँ पर मैं रेजिन पोर कर रही हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि मेरी रेजिन स्प्रेड नहीं हो रही, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने डिवाइडिंग लाइंस बना दी है। दूसरा तरीका ये होता है कि रेजिन जब आप पोर करें थोड़ा सा उसको स्टे दें, थोड़े लाइक आप कुछ मिनट्स उसको रखें, जैसे ही थोड़ी सी रेजिन हार्ड हो तब पोर कर लें। उससे ये होगा कि आपकी रेजिन में जो दो डिफरेंट कलर्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे। जो चीज़ ज़्यादा हार्ड हो जाती है लाइक हनी कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हार्ड हो तो वो फिर दो डिफरेंट कलर्स आपस में उतने मिक्स नहीं होते, लेकिन हाँ आप जब इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। मैंने सिर्फ डिवाइडिंग लाइंस बनाई थी इसे ग्लूगन से, ताकि मेरे जो कलर्स हैं वो मिक्स ना हो, मुझे सेपरेट कलर्स चाहिए थे, मैंने सेपरेट कलर्स उनको बना दिया। मेरा जो थीम है वो शेड ऑफ पिंक्स, वाइट, ब्लैक एंड गोल्ड है। ब्लैक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं इन्हीं शेड पे काम कर रही हूँ। जब भी आप रेजिन जॉट बने आपने बहुत मल्टीपल कलर्स नहीं यूज़ करने। अगर आप पिंक्स में जा रहे हैं तो उसकी फैमिली कलर्स देख लें, पिंक, लाइट पिंक से लेकर वाइट से स्टार्ट करें, वाइट से स्टार्ट करें और ब्लैक पे एंड करें, और इसके दरमियान में वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक और पर्पल, ये इसी की फैमिली में आ रहा है, और ब्लैक तक आप जा सकते हैं। अगर आप ब्लूज़ में जा रहे हैं तो ब्लूज़, टर्कोइस, ये इसकी फैमिली है। और अगर आप ग्रीन्स में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि शेड ऑफ ग्रीन्स यूज़ करें, नया कलर उसमें रेड या ग्रीन सॉरी रेड या ब्लू या येलो ऐड ना करें। येलो तो फिर भी चलें ग्रीन के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन आपने बिल्कुल कलर ब्रेक नहीं करना। कोशिश करें एक कलर के डार्क टू लाइट शेड यूज़ करें, डिफरेंट कलर्स यूज़ मत करें। आपको रेजिन में ये चीज़ याद रखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। डार्क टू लाइट आएँ, जैसे ब्लू में गए डार्क ब्लैक से शुरू किया, डार्क ब्लू से लेकर लाइट ब्लू और वाइट तक आप ख़त्म करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। ग्रीन का भी यही हिसाब है, लेकिन आप ग्रीन भी डाल रहे हैं, ब्लू भी डाल रहे हैं, रेड भी डाल रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल एक खिचड़ी सी बन जाएगी डिफरेंट कलर्स की। जब दो डिफरेंट कलर्स मिक्स होते हैं तो वो एक तीसरा कलर क्रिएट हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है। अब आप देखिए मेरा जियॉर्ड बिल्कुल सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस इसमें शाइन है और कलर्स हैं। सिलेक्शन ऑफ कलर बहुत काउंट करती है, और उसमें आपने कलर्स को किस तरतीब से डाला ये चीज़ बहुत काउंट करती है। अगर आप अपने माइंड में ये रखें कि मैंने डार्क टू लाइट जाना है तो आपके लिए सब सब बहुत आसान है,
लेकिन आप कह के डार्क डाल रही हो, फिर लाइट डाल रही हो, फिर डार्क डाल रही हो, फिर लाइट डाल रही हो, बेशक आप एक ही कलर में काम करें, लाइक सिर्फ पिंक में काम करें, डार्क लाइट करेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब मैंने डार्क से शुरू किया है, मैं लाइट की तरफ गई हूँ। इसी तरह से मेरा सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। जो मेरे एजेस रह जाएंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ रेजिन में गोल्डन डस्ट डाल के ब्रश से उसको मैं अप्लाई करूँगी। मैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको करने का, उसको मैं सिर्फ ब्रश से अप्लाई करके इसको भी मैं कोट कर लूँगी। मेरा प्रोजेक्ट तकरीबन रेडी है, एंड हो गया इसका। इसके बाद मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये इतना भी काफ़ी है। अगर आपका दिल करता है इसमें कोई कैलीग्राफी ऐड कर लें, कैलीग्राफी जैसे वाइनल कट से कैलीग्राफी कर लें ऐड, कोई सूरत लिख लें, कोई आयत लिख लें, कोई टेक्स्ट लिख लें, कोई कुछ भी लिख लें, वो आपके लिए इसके ऊपर बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। और आप ये नोट करें कि मेरा वाइट कलर में और कोई कलर ऐड नहीं हुआ, उसके साथ वो पिंक कलर भी ऐड नहीं हुआ, जस्ट गोल्डन मेरा थोड़ा सा मैंने खुद ऐड किया था। और आप रेजिन में गोल्डन ये जो होता है ग्लिटर, ये भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास ग्लिटर था, सॉरी गोल्डन नहीं, मेरे पास उसी शेड में पिंक शेड में ही ग्लिटर था। मैं अब वो रेजिन में मिक्स करके तो वो एक लाइन दे दूंगी, ताकि इसमें ग्लिटर का भी एक कलर अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट करे उसको। इस रेजिन में जितना रेजिन रह गई थी उसमें मैंने ग्लिटर ऐड करके, अब बाकी जो एरिया रह गया वहाँ पर मैं ग्लिटर डाल लूँगी। ये ग्लू गन की डिवाइडिंग लाइंस की वजह से मेरे कलर्स आपस में मिक्स नहीं हुए, अदरवाइज ये कलर सारे आपस में मर्ज हो सकते थे। डिवाइडिंग लाइंस आप स्टोन से बना सकते हैं, ग्लू गन से बना सकते हैं, स्टोन्स लाइक मार्बल वगैरह से भी बना सकते हैं, ग्लू गन से बना सकते हैं, और वॉल पुट्टी से या प्लास्टर पेरिस ग्लू मिक्सचर से भी बना सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। अब मैं जस्ट ये लास्ट लाइन जो है वो मैं ग्लिटर से ड्रॉ करूँगी। थोड़ा सा मेरा कलर जो है वो वाइट एरिया पे लग गया, उसको मैं आराम से इसको उठा लूँगी और वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपने नोट किया होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा रेजिन यूज़ नहीं किया है। जितनी ज़्यादा आप रेजिन यूज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को नहीं पता चलता रेजन की कितनी आपने थिकनेस यूज़ की अंटिल वो साइड से ना देखे, लेकिन इतना कोई नोट नहीं करता। और इट्स बेटर कि आप कम लेयर यूज़ करें, बस आपकी कवरेज कंप्लीट होनी चाहिए। आप ये ना हो कि कुछ जगहों से नीचे से आपको वुड नज़र आ रही हो या कहीं बबल्स नज़र आ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आपकी फुल कंप्लीट कवरेज होनी चाहिए और आपके क्या कहते हैं बिल्कुल बस बहुत ज़्यादा रेजन आप यूज़ मत करें। ये मैंने ग्लिटर ऐड कर लिया। साइड्स में अब इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, बल्कि साइड्स बनाने के लिए आपको मेरा अगर कोस्टर के गोल्डन एज वाला अगर आप मेरा लेसन देख लें तो उसमें सारा क्लियर है। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक दे दूँ नीचे कि गोल्डन एजेस कैसे करते हैं, और बाकी सब बाकी जो लिंक्स हैं उसमें कुछ हैं जैसे मैंने शुरू में बताया, वो आपको कोशिश करूँगी मैं नीचे दे दूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है गोल्डन एज करना। जैसे मैंने कोस्टर का गोल्डन एज किया था, सेम वही प्रोसीजर होगा इसका जियॉर्ड का गोल्डन एज करना। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने तकरीबन मेरा जियॉर्ड रेडी है, जस्ट गोल्डन एजेस रह गए हुए हैं वो। अब मैं इंशाल्लाह आप बेशक मेरे प्रीवियस लेसन में देख लीजिए या आप खुद से भी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने बस गोल्डन रेजन में ब्रश की मदद से या स्टिक की मदद से ये गोल्डन आप कलर लगा लें। और बनाना कैसे है वो बिल्कुल सिंपल है कि गोल्डन रेजन में आप रेजन में आप गोल्डन डस्ट डाल लीजिए, ब्रश की मदद से लगा दें, लेकिन ब्रश आपका वेस्ट हो जाएगा जब भी आप इसको दोबारा यूज़ नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि वो ना साफ़ होता है और वो ड्राई होकर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इस तरह से अपना आपका हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। आप आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद एक और जियोड आएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि वो कैसे बनाना है। वो थोड़ा सा क्विक मैं रिव्यू उसका दूंगी, क्विक वीडियो होगी, और वो आप इंशाल्लाह इसके बाद आपको उसकी समझ आ जाएगी। ये आप क्लोज़ अप इसका देख लीजिए।